लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में आज कई जिलों के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। प्रतापगढ़, रायबरेली, गोंडा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 12 बजे महेशगंज प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे राजकीय मैदान रायबरेली में जनसभा होगी और इसके बाद दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम है, जब वो सिविल लाइन गोंडा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह आज बैक टू बैक जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। आज यूपी में उनकी मौजूदगी और कई जिलों में आज वो रहेंगे जहां पर जनसभाएं होने वाली है, जिसमें प्रतापगढ़, रायबरेली और गोंडा है। और शिवम शुक्ला हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आज बैक टू बैक जनसभाओं को संबोधित गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियां बीजेपी की तरफ से हो रही है तमाम जिलों में? शिवम जी, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हेलो जी, पूरी तरीके से तैयारियां कंप्लीट हो चुका है। कहीं ना कहीं राजा भैया के गढ़ में कुंडा में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा आज करेंगे और विनोद सोनकर जो कौशाम्बी सीट से चुनाव होने वाला है 30 तारीख को, उसी जनसभा के लिए आज अमित शाह आएंगे। और कई बड़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन शिवम गृह मंत्री अमित शाह कितने बजे पहुंचने वाले हैं प्रतापगढ़ और किस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी अहम सीट बीजेपी के लिए प्रतापगढ़? बताना चाहेंगे, जिस तरीके से तो कार्यकर्ताओं में काफी रोज भरा उत्साह दिख रहा है। उसके बाद अमित शाह 12 बजे करीब पहुंचेंगे कुंडा के नारायण देवी धाम में होने वाली अमित शाह की जनसभा, सब टिकी है, सबकी निगाहें और पूरी तरीके से वही। कहीं ना कहीं राजा भैया भी जाके पार्टी में शामिल होने की सूत्रों की माने तो पूरी तरीके से ये चर्चाओं का। चलिए ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब रुक कर लेते हैं रायबरेली, जहां से आलोक पांडे हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, रायबरेली सीट हाई प्रोफाइल सीट, पूरे देश की नजर इस सीट पर हमेशा से रही है और इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प, इसलिए भी राहुल गांधी यहां से चुनावी मैदान में है। लेकिन उससे पहले बीजेपी की ओर से क्या तैयारियां रायबरेली सीट पर की गई है? गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, मैं तो बताना चाहूंगा, गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर रायबरेली पहुंच रहे हैं और उस दौरान एक विशाल जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। और यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनके समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। और वहीं अगर बात करें दिनेश प्रताप सिंह की, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री भी हैं और 2019 के चुनाव में भी वो चुनाव बीजेपी से रायबरेली सीट से उम्मीदवार रहे हैं। और इस बार कांग्रेस के राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से उनके खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। इसको लेकर रायबरेली में आज जो अमित शाह का दौरा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और यहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनमें काफी जोश और उत्साह यहाँ पर देखने। चलिए ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं रायबरेली, यहां से क्या कुछ संदेश देते हैं और कितना यहां पर, क्योंकि कांग्रेस का किला ये माना जाता है रायबरेली सीट, और ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं तो आखिर कितनी मजबूती बीजेपी को मिलती है ये देखना काफी अहम होगा।